पार्टी के कार्यकर्ता। दुख की बात है, ये पूर्व कॉरपोरेशन के प्रधान चेयरमैन अर्थात डेप्यूटी मेयर दखल करने के लिए कोशिश कर रहा है टीएमसी। सिलीगुड़ी शहर की मेयर, डिप्यूटी मेयर और चेयरमैन तीनों ने एक ऑफिस दखल किया। एक करने वाला उस वार्ड में रहने वाला अपना पार्टी के कार्यकर्ता विकास सरकार जी उनका प्रतिवाद किया, तो उसके बाद पुलिस जो लोग जबरदखल किया है उनका खिलाफ कोई कार्रवाई ना करते हुए अपना पार्टी का कार्यकर्ता उनको पुलिस भी अन्याय रूप से गिरफ्तार किया। और पूरा राज्य में जिस तरह का इस तृणमूल के शासन में इस तरह का घटनाएं घट रही है, यहाँ गणतांत्रिक कोई अवस्थाएँ नहीं है, यहाँ के लोगों का कोई जमीन हो घर हो वो भी आज सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से टीएमसी के नेताओं ने पूरा राज्य के नदी से लेकर कोयला से लेकर जमीन को लेकर और अन्य बहुत सारा घोटाला इस राज्य में चल रहा है, उसके साथ साथ सिलीगुड़ी में भी इस तरह का दखलदारी की राजनीति हो रही है, हम उनके प्रतिवाद करते हैं, उनके खिलाफ है हम। और पुलिस का जो भूमिका होना चाहिए था, जो निरपेक्षता पुलिस का काम में दिखना चाहिए वो यहाँ नहीं है। पूरा बंगाल के पुलिस टीएमसी के दलदास पुलिस में वो परिणत हो गए हैं और उन्हीं के नतीजा से पुलिस अपना जो काम वो काम सही रूप से नहीं कर पा रहा है। इसीलिए एक तो तृणमूल कांग्रेस की इस तरह की जो नेता है, जो सांविधानिक बड़े बड़े पद पर है, जो मेयर है, चेयरमैन है, डिप्टी मेयर है, उन जैसा नेताओं से इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि टीएमसी का एक छोटे से लेकर बड़ा नेता पूरा घोटाला का साथ जुड़ा हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार का साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह के घटनाएं वो लोग घटाती है। तो हम सिलीगुड़ी वासी के हित के लिए कि आने वाला दिन में ये घटना किसी भी और अन्य लोगों के साथ भी हो सकता है, अन्य ऑफिस के साथ भी हो सकता है, इसीलिए हम सिलीगुड़ी थाना में पुलिस को भी हम ये चेतावनी देने आए कि आप लोग का जो निरपेक्षता रखना चाहिए और निरपेक्षता आप लोग नहीं रख रहे हैं। ऐसा अगर चलता रहेगा तो आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी जो आईनी जो कानूनी जो कार्रवाई होना है वो भी हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से अपना नेता को अवैध रूप से उनको गिरफ्तार किया गया उनका भी निःशर्त मुक्ति हो और आने वाला दिन में इस तरह का घटना ना घटे। और जो जो इस तरह का घटना में जड़ित है और जो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उनका भी ऊपर कार्रवाई करके उनका भी जो नए जो साझा जो होना चाहिए वो साझा करके और यहाँ जो जो काम होना है पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा वो काम भी करना चाहिए। अभी आप प्रशासन के साथ इसके विषय में वार्तालाप किए हैं? देखिए हम तो वार्तालाप ऐसे तो जब उनको पकड़ा गया था हम आए थे, लेकिन यहाँ के पुलिस और प्रशासन आप सबको पता है कि वो टीएमसी के इशारों पर चलते हैं, टीएमसी के नेताओं के द्वारा वो लोग प्रभावित है और टीएमसी के नेता जो बोलते हैं वो सुनते हैं। इसीलिए ये पुलिस का ऊपर हमारा भी या पूरा आम जनता का जो विश्वास वो विश्वास अभी नहीं रहा। हम आईनी तरफ से जो काम करना चाहिए वो हम निश्चित रूप से करेंगे और पुलिस को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भी अपना सिरदारा को सीधा रखें और जो कानूनी तौर पर आपको उचित काम करना चाहिए वो आप कीजिए, वरना नहीं तो जिस तरह से पुलिस का बदनामी पूरा सिलीगुड़ी शहर और पूरा बंगाल में हुआ उस तरह का बदनामी आप लोग को और भी आगे होगा और जनता का जो भरोसा और विश्वास आपका ऊपर था वो दिन के दिन टूट जाएगा। नाम और डेजिग्नेशन बोलते जिला सभापति हूँ यहाँ का, ठीक है ना? देखिए जिस प्रकार से गणतांत्रिक व्यवस्था को सिलीगुड़ी से स्तब्ध किया जा रहा है और दुख की बात है कि पूर्व कॉरपोरेशन के प्रधान चेयरमैन अर्थात डिप्टी मेयर जाकर के एक कार्यालय को दखल करने का काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक। और कल ही हम लोग देख रहे हैं कि कल बजट सेशन है, हम लोग अपनी पार्टी से दिशा निर्देश लेते हुए
कल प्रतिवाद करेंगे कि इस प्रकार की गणतांत्रिक प्रणाली को जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में स्तब्ध किया जा रहा है पुरजोर तरीके से विरोध होगा और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस प्रकार से यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव तैयार रहेगी। देखिए हम बहुत दिन से राजनीति में जुड़ा हुआ है लेकिन इस अभी जो तानाशाही चल रहा है सिलीगुड़ी में ऐसा घटना हम लोग नहीं देखा। आंदोलन संगठन जो भी हो रास्ता में कर सकता है लेकिन आज कोई चुनाव कार्यालय हो पार्टी का कार्यालय हो उस ऑफिस को बेदखल करने के लिए कोशिश कर रहा है टीएमसी। पहले भी एक वार्ड में मेरा वार्ड में भी किया इधर में भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं ये कमजोरी कोशिश कर रहे हैं हल्ला करना कोशिश कर रहे हैं इसको विरोध किया है विकास सरकार तो इनके लिए क्या उनका अन्याय था बात करना चाहिए। कोई संताजवादी नहीं है जाने माने आदमी है राजनीति से जुड़े हुए हैं इनको थाना में लेके छोड़ देना बात था दोबारा इनको अरेस्ट किया गया और बागडोगरा भेजा गया। जो संताजवादी जो चोरी करता है जो डकैत करते हैं उन लोग को जिस तरह से कानूनी व्यवस्था करता है उस टाइप का यहाँ के सिलीगुड़ी पुलिस और यहाँ के जो तृणमूल लीडर है ये इस तरह का कर रहा है इसका खिलाफ हम लोग लड़ा लगा रहे हैं। सिलीगुड़ी जो शांति है सिलीगुड़ी जो सद्भाव है ये ख़त्म करने के लिए जो प्रयास कॉरपोरेशन गुंडाबाजी कर रहे इसका खिलाफ हम लोग सारा सिलीगुड़ी को जागृत करेंगे और लड़ाई जारी हम लोग का रहेंगे। आज हमारे सिलीगुड़ी शहर में एक नया चीज़ देखने को मिला। सिलीगुड़ी शहर की मेयर डिप्टी मेयर और चेयरमैन तीनों ने एक ऑफिस दखल किया। एक वेस्टलैंड के जमीन के ऊपर कांग्रेस का ऑफिस था वो ऑफिस तृणमूल ने उसको दखल लिया तो उसके खिलाफ हमारे बीजेपी के लीडर विकास सरकार ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाया इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस राज्य में इतने सारे अत्याचार उनको सहना पड़ रहा है और वही कांग्रेस वेस्टलैंड का ऑफिस कैसे एफिडेविट करके देता है वो बाद में हम लोग थाने के अंदर इस बारे में या कोर्ट के अंदर हम लोग इस बारे में बोलेंगे। तो ये गॉटअप है कांग्रेस तृणमूल की जिस तरह से ये बंद पड़ा हुआ ऑफिस को दखल लिया गया है तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ में हमारा नेता विकास सरकार को अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस ने जो गुनाह किया है जो गलत काम किया है उसके खिलाफ भी हम लोग ये बोलते हैं कि अनकंडीशनल उनको छोड़ना पड़ेगा इसलिए रात भर आज लोग हम लोग इधर अवस्थान करेंगे। अब प्रशासन से बात की इस विषय में प्रशासन से बात किया हमारे जिला सभापति MLA साहब आनंदमय बर्मन उन्होंने बात किया है तो उनका बात भी नहीं सुना है तो हम लोग चाहते हैं कि इस पुलिस का जो रोल है शासक के साथ कैसे ये मिल के लोगों के ऊपर जुल्म करता है ये घटना उसी की एक बड़ी एग्जाम्पल है। आप अभी शंकर घोष जी को सुना। हम हैं प्रधान माफ़ कीजिएगा सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन के सामने। अरे हमरा करा अरे चचिए बोलो अरे अबोस्ताने अरे राज्य जोरे अरे आवाज को तार अरे जुब मोर्चा अरे आनंदमय बर्मन अरे शंकर घोष अरे